हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना टेस्ट लगातार हो रहा है, लेकिन सुकून वाली खबर ये है कि जिस आशंका की, अनहोनी की आशंका से लोग सहमे हुए थे, उसमें थोड़ा सा ब्रेक। कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ा, आंकड़ा 3,800 के पार। और सबसे सुखद बात, अच्छी बात ये कि 3 दिनों में कोई मौत नहीं हुई है कोरोना वार्ड DMCH में। हालांकि फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत, क्योंकि अभी लोक आस्था का महापर्व छठ समाप्त हुआ है, जिसमें बाहर से काफ़ी लोग आए हैं, और ऐसी परिस्थिति में एक पखवाड़ा निकल जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है इस पर। लोकतंत्र का चुनाव संपन्न हुआ, लोक आस्था महापर्व संपन्न हुआ, कोरोना का ग्राफ जिसमें मृतकों की संख्या 54 है, दरभंगा शहर के उसमें 20 मरने वालों की संख्या है, और कोरोना संक्रमित की संख्या 3,800 के पार है। ऐसी परिस्थिति में अब हर कदम पर फूक फूक कर कदम रखने की तैयारी, ताकि कोरोना को किसी तरह बढ़ने नहीं दे। लेकिन जो दो लोकतंत्र का महापर्व और लोक आस्था का महापर्व बना, उसके बाद सरकार की गाइडलाइन थोड़ी सी ढील दी गई। शादी विवाह में 100 की जगह अब 150 लोग आएंगे। बैंड बाजों के पर जो रोक लगी थी, उनकी पेट का ख्याल रखकर और नए नियम में, आदेश में 150 लोगों के दरमियान वे बैंड बाजा भी बजा सकते हैं। पहले आदेश में इसे हटा दिया गया था, लेकिन शादी विवाह हो या श्राद्ध क्रम, 150 और श्राद्ध क्रम में 25 लोग की अनुमति, लेकिन सोशल डिस्टेंस और मास्क जरूरी। जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता, तब तक यही एक सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अब ये जो ठंड की लहर है, ये कहीं कोरोना का कहर न बन जाए, इसके लिए लगातार सजग रहने की जरूरत। और सोमवार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी के बाद मंगलवार को रेंगता रहा शहर, हर जगह जाम। ऐसी परिस्थिति में लगातार संकीर्ण सड़कें और लोगों की आवाजाही इतनी ज्यादा, चाहे वह पैदल हो, दोपहिया वाहन वाले या चार पहिया वाहन वाले, लगातार भीड़, और उससे कड़ाहता ठहरता शहर। हर जगह सड़क जाम और इससे जूझते लोग। 2 दिनों की छुट्टी के बाद लोग उमड़ पड़े सड़कों पर, चाहे दरभंगा से लहरियासराय का रास्ता हो या फिर अन्य रास्ता। कोरोना की लड़ाई में भीड़ एक घातक, और इससे भी बचने की जरूरत। लेकिन अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था से चरमराती रही। जो मंगलवार का दिन है, ट्रैफिक पुलिस जूझते रहे बेतरतीब ढंग से। अतिक्रमण सबसे बड़ा बाधक है। गाड़ियां बढ़ती गई, सड़कें संकीर्ण होती चली गई, और इससे लगातार जूझती रही है पुलिस। यातायात व्यवस्था चरमराती रही है। आम तौर पर चाहे वह 8-10 किलोमीटर का शहर का एरिया, जिसमें गलियों के सहारे गाड़ियां निकालने की कवायद, मुख्य सड़क लगातार जाम। सबसे खराब हालत होती है VIP सड़क की, चाहे वह बेता हो, दोनार हो या फिर जनकार्य पथ कोतवाली OP। सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि सड़कें अतिक्रमण के कारण सिकुड़ती चली गई। वाहनों का दायरा, संख्या लगातार बढ़ता चला गया और सड़कें सिकुड़ती चली गई। पहले नालियों पर अतिक्रमण, और लोगों ने अपने घर को, दुकान को गोडाउन बना लिया, और दुकानदारी अपने दुकान के सामने, ये जो परिपाटी है, और इसी के कारण सड़कें संकीर्ण होती चली गई है, जबकि गाड़ियों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। ऐसी परिस्थिति में जूझता रहा मंगलवार को शहर की सड़कें। स्वर्गीय प्रोफेसर उमाकांत चौधरी के स्मृति दिवस के अवसर पर उन्हें याद किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। प्रोफेसर उमाकांत चौधरी के एक पुत्र, जो पहले विधान पार्षद थे, डॉक्टर विनोद चौधरी, और वर्तमान में विधायक बने हैं उनके दूसरे पुत्र विनय चौधरी उर्फ अजय चौधरी, जो बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक बने हैं। और इस मौके पर +2 उच्च विद्यालय बिशनपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए, और उमाकांत चौधरी के स्मृति दिवस के अवसर पर उनके कृत्यों को याद किया गया। पिता और जनता दल यूथ के
समता पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर उमाकांत चौधरी का आज पुण्यतिथि है। यह पुण्यतिथि मूल रूप से शिक्षा क्षेत्र में विकास हो इसके लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज प्रोफेसर उमाकांत चौधरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा प्लस टू में तीन सफल प्रथम सफल छात्रों को छात्र छात्राओं को पुरस्कार के रूप में कुछ राशि दी जाती है, प्रोत्साहन राशि, ताकि छात्र इसी तरह से आगे पढ़े और अगर छात्र अगर कोई भी समाज अगर पढ़ेगा तो उसका विकास होता हो जाएगा। इसी उद्देश्य से फाउंडेशन प्रथम को 6,000, तृतीय को 5,000 और तृतीय को 4,000 रुपये की राशि निर्गत करती है। कर्म क्षेत्र रहा है प्रोफेसर उमाकांत चौधरी का। समता पार्टी के समय से उमाकांत चौधरी लगातार सक्रिय रहे अपने इलाके में। समता पार्टी से वे दो बार चुनाव भी लड़े, निर्वाचित नहीं हो पाए। परिस्थिति वश समय से पूर्व काल के गाल में समा गए और उसके बाद उनके पुत्र डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी वर्ष 2008 में यहाँ से विधान पार्षद हुए और 2014 तक रहे। उसके बाद भले ही हायाघाट और बहादुरपुर से न सही, बेनीपुर से उनके दूसरे पुत्र अजय चौधरी और विनय चौधरी जदयू के उम्मीदवार हुए। वे जदयू के जिला अध्यक्ष भी हैं और बेनीपुर से विधायक बने। लेकिन उमाकांत चौधरी के कर्म क्षेत्र में उनकी याद में स्मृति दिवस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन और यहाँ कई गणमान्य लोगों के साथ वे भी उपस्थित थे। कई छात्र छात्राओं, मेधावी छात्र छात्राओं को इस मौके पर पुरस्कृत भी किया गया, सम्मानित भी किया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। खुल गया खुल गया खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अलगपट्टी वीआईपी रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। और बात विद्यापति पर्व समारोह की। कोरोना काल में काफी नियम निष्ठा के साथ सांकेतिक रूप में 3 दिवसीय विद्यापति पर्व समारोह मनाया गया। हालांकि प्रशासन ने इस पर रोक लगाने का आग्रह किया था,
लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजकों ने इसे अमली जामा पहनाया। 3 दिनों तक चला सोशल डिस्टेंस के सहारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई और फूक फूक कर आयोजकों ने कदम रखा धीरे धीरे, और सांस्कृतिक समागम भी हुआ 3रे दिन। जते काल अपने चाह से ठमका लेता, मुदा पहिल चक्र में
सब कलाकारक ले दूटा गीत निर्धारित ताई अनुशासन के प्रणाम हमर मिथिला गाम हम करे छी प्रणाम हमर मिथिला गाम जत मिश्री सन बोली बाजे वही ठाम जत रातुक भिन सरबा में कोयल के तान जत कमला बलान कोसी कमला बलान हम करे छी हम करे छी प्रणाम हमर मिथिला गाम। बहुत जल्दी गाना भेटत अपना यूट्यूब पर मून म्यूजिक क्रिएशन पर। और जब दोसर गाना फिर लै रहा है मतलब काफी एकटा लोकप्रिय गाना है हमर मिथिला के गाम बड़ प्यारा
चलो हमर गाँव में वही ठाम देखे न जा हमर मिथिला के गाँव बड़ प्यारा हमर मिथिला के गाँव बड़ प्यारा जतर मिथिला के बेटी के मंदिर बनल योगिता चलू जनकपुर हम घूमी जतर मिथिला के बेटी के मंदिर बनल चलू काली छे मस्ता के दर्शन करी जतर कमला पलान सब कल कल बहैया आयल महादेव उगना के देश में देखो विद्यापति रचना नारा हमर मिथिला के गाँव बड़ प्यारा हमर मिथिला के गाँव बड़ प्यारा ये हमरा दरभंगा मंच पर बढ़िया गीत में बेसी ताली बजे ओना सब गीत में ताली बाजी सुनाबी सुंदर सा हमारे कंपोजिशन है Yeah.
Thank you.
Yeah.